अस्सलाम वालेकुम माई YouTube फैमिली, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम टू माई चैनल हैप्पी लाइव व्लॉग चैनल। आप सोच रहे होंगे कल का व्लॉग किधर था। तो जनाब, मैं जो है ना कल अपनी नींद ही नहीं पूरी कर पाई और मैं बस सोई। कोशिश की चलो उठ के व्लॉग बनाती हूँ। व्लॉग बनाने के लिए जब आने लगी तो फिर जनाब मेरे मोबाइल की चार्जिंग, मैं चार्ज लगा कर सोई लेकिन हुई नहीं। फिर मैंने कहा यार फिर से लेट हो जाऊंगी, और ऊपर से वेदर भी कुछ ऐसा था कि ऐसे था कि जैसे दिन ख़त्म हो गया है। तो शाम पड़ गई फिर, इसलिए मेरे से व्लॉग वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि अगर रिकॉर्ड कर लेती तो फिर अपलोड नहीं था होना, टाइम लग जाना था, और फिर मुझे ड्यूटी पे भी जाना था। ड्यूटी मीन्स नहीं, मुझे फिर उस पर ट्रेनिंग पर भी जाना था, तो फिर मैं इसलिए जो है ना जनाब नहीं बना सकी। सो अभी रिसेंटली कह लो मैं आई हूँ, और आते साथ ये देखे मैंने अभी ड्रेस भी चेंज नहीं किया, और गैस करिए कौन सा ड्रेस है जो मैंने वेयर किया है। ये आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखे है तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये कौन सा ड्रेस है। तो मैं अभी चेंज भी नहीं किया, मैं सीधा ही ऊपर आ गई हूँ कि मैं जा कर ब्लॉग बनाऊँ, कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को नाराज़ नहीं करना चाहती, बस जल्दी से मैं ब्लॉग बनाऊँ, ब्लॉग बना कर फिर मैं नीचे चली जाती हूँ। तो जनाब मुझे अभी कोई पता नहीं है कि कमेंट्स क्या आए हैं क्या नहीं आए कल के दिन के, ठीक है? तो मैं सिर्फ क्रम्बलिंग करूँगी आप सभी के लिए, और ढेर सारी करूँगी, और करके फिर नीचे जाऊँगी और फिर अपनी नींद पूरी करूँगी, क्योंकि ओवरनाइट आप लोग जो है ना वो जागते हो, हम लोग जागते हैं, तो इस वजह से। और अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही क्योंकि अभी ना बच्चों का शोर होना है, सुबह का टाइम है ना। मेरे कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। वाह, बहुत ठंडा ठंडा टेक्सचर है। सर्दी तो नहीं लगी थी लेकिन टेक्सचर को पकड़ के लग गई है, बहुत ठंडे हैं यार। क्या ही मज़ा आता कि मैं आराम सुकून से 2 बजे उठती सोकर, और फिर मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती। लेकिन माई बैड कि भाई जनाब उस टाइम जो है ना वो नहीं होती वीडियो रिकॉर्ड, और बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग बताएं आप लोग का दिन कैसा गुजरा, और जनाब आप लोग कैसे कौन कैसे। अच्छा, अब कोई पूछ रहा था कि आप कहाँ जाती हैं ना, ठीक है, तो कौन सी नाइट ड्यूटी है जो आपकी। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने गेस कर भी लिया कि आई थिंक सो आप कोई कॉल सेंटर में जाती हैं, तो आप जाती हैं यार। मोस्टली कॉल सेंटर जो है ना वो उनकी नाइट शिफ्ट ही होती है, और जी हाँ मैं कॉल सेंटर में ही गई हूँ फॉर इंटर्नशिप। तो बस मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, मींस जॉब करनी है या नहीं करनी। अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ एम यही है कि मुझे अपनी वो जो इंटर्नशिप है ना वो कंप्लीट करनी है, क्योंकि यार मैं एक ही जगह रुकना नहीं चाहती कि बस ठीक है चैनल पे क्रम्बलिंग करती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू ग्रो अप माई सेल्फ। ओके, मिसेस उमर, मिसेस उमर आप कह रही थी कि ना आपने बताया ही नहीं है, सॉरी मेरे मुंह से उस्मा निकल गया था, मिसेस उमर ही कहना था, तो आप कह रही थी आपने बताया नहीं, मैंने कहा बताया है, लेकिन अभी मेरे जहन में आया कि मैंने उस्मा बोल दिया होगा। तो हाँ जी जनाब मैं आपको जानती हूँ, कोई मसला नहीं, अगर आपका मोबाइल ख़राब हो गया, अल्लाह करे आपका मोबाइल अच्छे वाला प्रो मैक्स आए, और दुआ करें अल्लाह मुझे भी प्रो मैक्स ही दे अब, बिकॉज इट्स माय ड्रीम टू बाय अ न्यू अल्ट्रा प्रो मैक्स फ़ोन जस्ट फॉर माय वीडियोस।
मैं अपनी वीडियोस के लिए जो है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सपीरियंस करूँ कि यार मैं अपनी वीडियोस को, ओ क्या ही मज़ा आए जब मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स के ऊपर वीडियो बने और फिर मैं देखूँ यार ये इसका रिज़ल्ट क्या है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। होप फॉर बेस्ट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिल जाता है ना। दुआओं से और मेहनत से सब कुछ मिल जाता है, और सब्र से भी। ठीक है, आज का लेसन इतना ही था। ओए मेरे कपड़े गंदे हो ही जा रहे हैं, नीचे बैठी हूँ ना मैं, ये मैंने इतनी देर से इसकी क्रम्बलिंग करनी है, इसकी क्रम्बलिंग ही नहीं नहीं ओड़ी। मैं रोज़ मामा को कहती हूँ मामा शोर कम होगा तो मुझे उठा दीजिएगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी, तो वो होता ही नहीं है बाय चांस। ओके ये देखिए इसकी डस्ट, किसी ने कहा था डस्टी, एक्सट्रीमली डस्टी टेक्सचर, तो एक्सट्रीमली डस्टी टेक्सचर नहीं हो सकता बिकॉज रात को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और इतनी ज़्यादा वो फॉग होती है कि भाई जनाब मैं ना आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ ना इस फॉग के हवाले से। क्या जी, जब मैं 2 days ago ना मैं जब गई वहाँ पे, तो वापस सुबह जब आना था ना मैंने, तो मैं ऐसे बाहर निकली तो मैंने देखा कि एक आदमी अपनी बाइक को ना उसके ऊपर कोई ना शॉपिंग बैग या कुछ इस तरह से रख रहा था कि यार वो उसकी बाइक ऐसे थी जैसे उसके ऊपर किसी ने पानी ड्रिजल किया हो, यानी इतना ज़्यादा उस पर वो जो फॉग कहते हैं या ओस कहते हैं वो हुआ था। तो इसलिए जो है ना टेक्सचर्स के ऊपर भी, ज़ाहरी बात है मैं इसको कौन सा कवर करके जाती हूँ, तो टेक्सचर्स के ऊपर भी तो होता होगा ना। और अब तो मौसम भी आपको पता है कैसा है कैसा नहीं। कैसे हो, ये लास्ट टाइम जो क्रम्बलिंग करके गई थी ये वैसे की वैसे था, इसको पढ़े करती हूँ। यार आप लोग बोर तो नहीं होते मेरे ब्लॉग से? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहो कि भाई ठीक है तुम अब इंटरेस्ट नहीं लेती, ऐसी बात नहीं है। इसको मैं चुप के इधर ही रख दूँ या इसको थोड़ा थोड़ा से इसे खोल देते हैं ताकि इसको थोड़ी हवा लगे। ज़मीन पे टेक्सचर बहुत जल्दी ड्राई होता है। किसी ने पूछा कि आप ऐसा करें, आप शीट उठा दें ये वाली और इसको ऐसे रहने दें, वो नीचे ब्रिक्स हैं उसके ऊपर मैंने कोई सीमेंट कोई जो है ना वो अप्लाई नहीं किया कुछ भी, तो इस वजह से फिर वो क्रैक्स हैं दरमियान में, तो वो फिर यार होगा ही नहीं। ये भी ड्राई नहीं है, ये ड्राई है और यहाँ पे हमारे पास ये भी ड्राई है ग्लास, तो लेट्स क्रम्बल। वाओ मैं ना कल से नहीं आई थी छत पे, व्लॉग बनाया भी नहीं, तो अभी मेरा दिल चाहा कि यार भाग के जाऊँ, साथ व्लॉग भी बन जाएगा साथ क्रम्बलिंग भी हो जाएगी। कैसा है कैसा? ओके प्योर, ओके आई एम हेयर प्योर मड के पास। हाँ जम गया तो हार्ड क्रम्बलिंग नहीं हो रही, सर्दी का यही नुकसान है। अभी ये सुबह के हालात है, सुबह 7:45 या 7:30 कह लें, ठीक है 7:30, तो ये सुबह का टाइम है और ये हालात है। अभी आहिस्ता आहिस्ता देखना क्या क्या इरादे और मौसम बदलते हैं इनके। मम्मा भी लगता है आई थिंक ऊपर आ गई। ओके चलो ओके जनाब करते हैं यहीं पे व्लॉग को एंड। ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जिसको हमें क्रम्बल करना है क्योंकि मैंने इसको नहीं क्रम्बल किया, इसको ऐसे ही क्रम्बल करना था, ये ऐसे ही दो तीन दिन शेप्स जो है ना क्रम्बल होनी थी मेरी सारे व्लॉग में।
कपड़े बदल के आती हूँ ना अभी। चार्जिंग नहीं है मोबाइल की, चार्जर लाना है मेरे पास, चार्जर खराब हो गया मेरा। मम्मा तो कह रही है वीडियो बना लो, लेकिन मेरे मोबाइल की चार्जिंग नहीं है और फ़ायदा कोई नहीं है एक वीडियो बनाकर खपने का। बनाऊँ तो फिर एक साथ ही सारी बनाऊँ। आप ये करना कि आज ना 3-4 सेटअप बना देना, ताकि कल अगर मैं आऊँ ना तो फिर आकर क्रम्बलिंग कर लूँ, ठीक है। सो जनाब ये थी, अच्छा ये तो मैंने इतने दिन हो गए इसको पकड़ा भी नहीं। वाओ, चलो जनाब करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। ठीक है बाबा, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान लो।